हाँ बच्चों, उम्मीद है आप तक मेरी आवाज़ आ रही होगी। और पिछली क्लास में बच्चों मैंने आपको जो कविता है जिसका नाम है रिस्क माने जोखिमें, वो कविता मैंने पढ़ाई थी। और बच्चों आप जानते हैं वो जो पोएम थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? आपको मैंने उसके राइटर का नाम याद करवाया था, पोएट का नाम याद करवाया था, जेनेट रैंड के द्वारा लिखी गई थी। और उस कविता का सेंट्रल आइडिया हमने आपको ये बताया था कि जीवन में जोखिम उठाना जरूरी है, और बिना जोखिम उठाए तो जीवन की कल्पना करना भी निरर्थक है। ऐसा व्यक्ति जो जीवन में जोखिम नहीं उठाता है वो परेशानी से बच जाता है, मुसीबतों से बच जाता है, पर बच्चों वह जीवन का जो असली सबक है वो नहीं सीख पाता है, वो जीवन के जो असली माने हैं उन्हें नहीं समझ पाता है। इतनी बात हमारे बीच में हुई थी। एंड टुडे आज देखेंगे बच्चों आप, प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 146, पेज नंबर 146 के ऊपर आप अपने टेक्स्ट बुक है बच्चों इसे खोलेंगे, और गोल्डन रेज आपकी जो पहली बुक है। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द सेकंड लेसन ऑफ द टेक्स्ट। आज बच्चों हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं दूसरा वाला जो लेसन है, कविता के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ पोएट्री, इन द स्फेयर ऑफ पोएट्री, पोएट्री के क्षेत्र में जो दूसरा लेसन है, दूसरी पोयम है, जिसका नाम है माई गुड राइट हैंड, यानी मेरा अच्छा दायां हाथ। माई गुड राइट हैंड का मतलब होता है बच्चों मेरा अच्छा दायां हाथ। और बच्चों एक बात समझे, राइट हैंड के दो मतलब होते हैं। राइट हैंड तो आप जानते हो दायां हाथ होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु जो राइट हैंड उस व्यक्ति को भी कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि अमित शाह इज द राइट हैंड ऑफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह इज द राइट हैंड ऑफ नरेंद्र मोदी, या अमित शाह इज नरेंद्र मोदी इज राइट हैंड, यानी अमित शाह जो है वो नरेंद्र मोदी का दायां हाथ है। तो यहाँ बच्चों मेरा राइट हैंड से मेरा मतलब यह है कि उसका क्या है, उसका मतलब बहुत अधिक सपोर्टर है, उसको बहुत अधिक सहारा प्रदान करने वाला व्यक्ति है। जो बहुत अधिक सहारा प्रदान करने वाला व्यक्ति होता है, जिसका हमें बहुत अधिक सहारा होता है, ठीक है, जो मतलब कि हमारी सफलताएं जिसके ऊपर बहुत बड़ी सीमा तक निर्भर करती हैं, ऐसे व्यक्ति को बच्चों राइट हैंड कहते हैं। क्लियर है? आप जानते हो बच्चों राइट मैंने क्या होता है, मैं कहता हूँ यू आर इन द रॉन्ग, तुम गलत हो, आई एम इन द राइट, मैं सही हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि राइट का मतलब क्या होता है, राइट मैंने सही होता है, बहुत अच्छे। उसी तरीके से बच्चों हम कहते हैं कि एक बच्चा जो स्कूल जाने में समर्थ है, उसे आप उसकी शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट डिप्राइव ए चाइल्ड ऑफ हिज और हर राइट टू एजुकेशन। क्या बोला मैंने? यू कैन नॉट डिप्राइव ए चाइल्ड ऑफ हिज और हर राइट टू एजुकेशन। आप किसी भी बच्चे को उसके शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। तो राइट का मतलब बच्चों अधिकार होता है। राइट का दूसरा मतलब बताया आपको अधिकार, राइट का एक मतलब बताया हमने आपको सही, और राइट का मतलब बच्चों राइट साइड, रॉन्ग साइड। व्हेन आई वाज इन द यूएसए, जब मैं यूएसए में था, आई वाज यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द राइट, आई वाज यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द राइट। जब मैं यूएसए के अंदर था तो मेरी आदत पड़ गई थी दाएं हाथ की तरफ गाड़ी चलाने की। यहाँ तो हम बाएं हाथ की तरफ गाड़ी चलाते हैं, उधर क्या है वो लोग शायद दाएं हाथ की तरफ चलाते हैं। तो बताया गया कि व्हेन आई वाज इन द यूएसए, जब यूएसए में था, तो आई वाज यूज्ड टू, मेरी आदत पड़ गई थी, आई वाज यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द राइट, अर्थात मेरी आदत जो है वो दाएं हाथ की तरफ गाड़ी चलाने की आदत पड़ गई थी। तो जो अभी देखते हैं कि राइट माने दाया होता है, आप देखते हैं राइट माने सही होता है, और आप जानते हैं राइट माने हक होता है। राइट का मतलब बच्चों जब हक होता है तो वो संज्ञा का काम करता है, वो नाउन का काम करता है। राइट का स्वराज्य इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये बच्चों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यहाँ राइट बच्चों ये क्या है, इज माई बर्थ राइट, तो राइट बच्चों ये अधिकार है, हक है। और बच्चों आप ये समझें कि अगर इसका मीनिंग हक या अधिकार है तो ये नाउन का काम करता है। क्लियर है? और बच्चों जब मैं कहता हूँ राइट हैंड, तो हैंड के पहले मैंने राइट लगाया है, तो हाथ कौन सा दायां, राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो बच्चों ये दायां बायां क्या करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, क्योंकि ये नाउन के पहले आता है तथा उस नाउन को क्वालिफाई करता है। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। एक बात और बताएं, जब बच्चों मैं कहता हूँ राइट क्वेश्चन रॉन्ग, ठीक है, राइट स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट, तो बच्चों राइट और रॉन्ग का प्रयोग आप जब किसी नाउन के पहले सही या गलत के अर्थ में करते हैं, तब भी बच्चों वो एडजेक्टिव का काम करता है। फर्क बस इतना है कि तब उसका मीनिंग बदल जाता है, आइए बढ़ा रहा हूँ बच्चों में। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोयम। अब बच्चों में कविता का वाचन शुरू कर रहा हूँ।
कविता की जो मॉडल रीडिंग है वो भी शुरू कर रहा हूँ। एक बार भी पूरे पैराग्राफ को आपको केवल पढ़ के बांच की सुनाऊंगा, एंड आई होप दैट, और मैं इस बात की आशा करता हूँ कि मैं जो प्रेजेंटेशन जिस तरीके से करूँ उस तरीके से आप भी जो है उसका प्रेजेंटेशन करेंगे। एक एक लाइन में बोल रहा हूँ बच्चों, आई फेल इन टू ग्रीफ। पहला बच्चों फ्रेज है, फ्रेज क्या है, छोटा सा क्लोज, आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन, आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड बट आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन वैन, बट आई सॉट हिम इन वैन। कंपेनियंस वर शाई, कंपेनियंस वर शाई एंड एक्विंटेंस, कंपेनियंस वर शाई एंड एक्विंटेंस वर कॉल्ड, दे गेव मी गुड काउंसिल बट ड्रेडेड देयर गॉड, दे गेव मी गुड काउंसिल बट ड्रेडेड देयर गॉड, लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड, Let them go, I exclaimed, I have a friend at my side. To lift me and aid me, whatever be tight. To trust to the world is to build on the sand. I will trust but in heaven and my good right hand. My courage revived in my fortunes despite... and my hand was as strong as my spirit was light. It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me, it clad me again and again. The friends who had left me came back, everyone. And darkest advisors looked bright as the sun. I need them no more, as they all understand. I trust they, my good right hand. बहुत अच्छी कविता है बच्चों, बहुत ही अच्छी कविता है, पर आप देख रहे हैं 1, 2, 3 and 4, देर आर ओनली 4 कपलेट्स इन द पोयम। आप देख रहे हैं बच्चों इस कविता में चार कपलेट नहीं है बच्चों। कपलेट तो वो होते हैं जिनके अंदर मतलब क्या होता है कि सिर्फ दो पंक्तियां होती है उसे आप कपलेट कहते हैं, लेकिन जिसमें चार पंक्तियां होती है बच्चों उसे आप क्वार्ट्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, क्वार्ट्रेन। तो आप देख रहे हैं बच्चों देर आर 4 क्वार्ट्रेन्स इन द पोयम, इस कविता के अंदर चार क्वार्ट्रेन हैं। और बच्चों यहाँ स्टार्टिंग में कभी वो ये कह रहा है उसकी उसके साथ क्या हुआ, वॉट हैपन टू हिम, वो अपनी आप बीती सुना रहा है, वो अपनी आप बीती सुना रहा है, कुछ आप बीती सुना रहा है, कुछ जग बीती सुना रहा है। तो पहले वाले पैराग्राफ के अंदर तो बच्चों ये बता रहा है कि उसके साथ हुआ क्या, और दूसरे वाले बच्चों ये बता रहा है कि जब उसके साथ जो हुआ तो उसके प्रति उसके मित्रों की तथा संसार के अन्य लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, वॉट वॉज द रिएक्शन ऑफ हिज फ्रेंड्स, वॉट वॉज द रिएक्शन ऑफ अदर पीपल ऑफ द वर्ल्ड, अन्य लोग जो संसार के अन्य लोग हैं उनकी, और साथ ही साथ जो है संसार के अन्य लोगों तथा उसके मित्रों की उसके साथ जो हुआ उस पर क्या प्रतिक्रिया रही, ये बात तो दूसरे पैराग्राफ में बता रहा है। और तीसरे पैराग्राफ में बच्चों ये कह रहा है कि परेशानी जब बढ़ गई, गम जब हद से गुजर गया, परेशानी जब बढ़ गई, तो बच्चों उसने क्या किया, आई ट्राई टू क्योर, उसने बीमारी का पता लगाने की कोशिश की, बीमारी का उपचार करने की कोशिश की, और बच्चों ट्रीटमेंट हुआ, और जब ट्रीटमेंट हुआ तो क्या हुआ, बहुत सारा परिवर्तन आ गया। और अंत में बच्चों क्या होता है, वो ये बता रहा है कि जब मैं पुनः स्वस्थ हो गया, जब मैं उस सदमे से उस शौक से पुनः उबर गया, उस आघात से मैं पुनः उबर गया, तो कभी ये बता रहा है कि उसके पश्चात संसार वाले जो लोग हैं जिनका दृष्टिकोण उसके प्रति पहले कैसा था और अब उस दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन आ गया है। ये सारी बातें बच्चों इस कविता के माध्यम से वो बता रहा है। यह कविता यथार्थ के धरातल पर लिखी हुई कविता है। दिस पोयम इज वन ऑफ दोज पोयम्स रिटर्न ऑन द सरफेस ऑफ रियलिटी। ये उन कविताओं में से कविता बच्चों जिसकी रचना यथार्थ के ऊपर की गई है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने अपनी उस कविता में बहुत खूब कहा है क्या कि पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले। उस कविता में एक लाइन बच्चों उन्होंने ये भी लिखी है कि आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों। आपने कविता पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो जीवन में आपको कभी पढ़ने को मिलेगी, छोटी क्लासों की कविता है जिसमें डॉक्टर बच्चन कहते हैं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों। इसका मतलब हम सपने बच्चों कितने भी ऊंचे देखें बट लेकिन होना ये चाहिए बच्चों, अवर ड्रीम शुड कनेक्ट विद रियलिटी। लेकिन हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारे जो अरमान हैं, उनका संबंध कहीं कहीं यथार्थ से होना चाहिए, उनका संबंध सच्चाई से होना चाहिए, तभी बच्चों आप उनको क्रियान्वयन या उनको क्रियान्वित करने की सोच सकते हो, तभी आप उनको अमली जामा पहनाने की बात सोच सकते हो। वैसे तो आपको पता बच्चों अगर इच्छाएं गोड़े होती, ठीक है, इफ विशेष वर हॉर्सेज, अगर इच्छाएं गोड़े होती बेगर्स वुड राइड देम, तो भिखारी उन पर सवारी करते। तो केवल इच्छाओं से काम नहीं चलता है, उन इच्छाओं का संबंध कहीं कहीं
यथार्थ से होना चाहिए, और जिन इच्छाओं जिन अरमानों का संबंध यथार्थ से होता है केवल उन्हें ही अमली जमा पहनाया जाना मुमकिन होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, आपकी मेरी बात समझ में आ रही होगी। और बच्चों ये भी कहना चाहता हूँ कि इस कविता का संबंध जो यथार्थ से है, ये कविता यथार्थ के ऊपर लिखी गई है, और कवि इसके अंदर बच्चों अपने ऊपर जो बीत रही है जो बात बिल्कुल सच कही है कि संसार कैसा है, लोगों का दृष्टिकोण कैसा है। कहते हैं कि बन जाते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों हर संबंध से भारी जो है वर्तमान में पैसा हो गया है। हालांकि ये बात गलत है, मैं आप लोगों को ये संस्कार नहीं देना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि पैसा तुच्छ है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ पैसा तो हाथ का मेल है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि पैसा तो फिर कमाया जा सकता है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ पैसा खो गया इसका मतलब कुछ खोया ही नहीं, परंतु अगर स्वास्थ्य खो गया तो इसका मतलब कुछ खो गया। लेकिन अगर व्यक्ति ने अपना सदाचार अपना आचरण खो दिया तो इसका मतलब बच्चों उसने अपना सब कुछ खो दिया। इसीलिए कहते हैं हम वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, अगर धन खो गया है तो कुछ खोया ही नहीं है। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, अगर सेहत खो गई है तो समझो कुछ खो गया है, कुछ खो गया है। बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर खो गया है आपका चरित्र समाप्त हो गया है, एवरीथिंग इज लॉस्ट, फिर संसार में आपके लिए कुछ नहीं बचा है। जो व्यक्ति चरित्रहीन होता है उसका इस संसार में कुछ नहीं है, उस इस संसार के अंदर उसको न मान मिलता है न सम्मान मिलता है। तो चरित्र बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये भारत के संस्कार हैं। और मैं अपनी बात जो है बच्चों आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूं, आगे देखना आई फेल इन टू ग्रीफ। और इस कविता का सेंट्रल आइडिया बच्चों ये है कि वही दोस्त सच्चा दोस्त होता है जो जरूरत के समय काम आता है। इसलिए आप इसका सेंट्रल आइडिया लिखो, ए फ्रेंड इन नीड, यानी जरूरत के समय काम आने वाला दोस्त इज ए फ्रेंड इनडीड। यही बच्चों इस कविता का थीम है, यही इस कविता का सेंट्रल आइडिया। दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम दैट ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इनडीड, माने आवश्यकता के समय काम आने वाला दोस्त या जरूरत की घड़ी में काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। समझ गए आप बच्चों? महाभारत देखते हैं तो आपने कर्ण और दुर्योधन की मित्रता देखी होगी, जिसमें उन्होंने अपने मित्र के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आपने भगवान श्री कृष्ण और सुधामा की मित्रता का प्रसंग सुना होगा, और भी मित्रता के प्रसंग जो है हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं हमारा इतिहास है उसमें भरे बड़े हैं। बहरहाल आई फेल इन टू ग्रीफ, तो कभी ये कह रहा बच्चों मैं मुसीबत में पड़ गया। आई फेल इन टू ग्रीफ का मतलब आई फेल इन टू ग्रीफ, देखो बच्चों फाल के बाद इन टू आ रहा है। आप जानते हो जब बाहर से अंदर की ओर गति होती है तो इन टू आता, शी केम इन टू माई रूम, वो मेरे कमरे में आई, बाहर से अंदर आई, चल करके आई, तो इन टू आएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, बच्चे तालाब में तैर रहे हैं, बच्चे गति कर रहे हैं परंतु अंदर ही अंदर गति कर रहे हैं, इसलिए इन टू नहीं आएगा। मैं कहता हूं मेरे सीने में एक दिल है, देयर इज हार्ट इन माई चेस्ट, तो ये नहीं आएगा। उसी तरीके से मैं कहता हूं देयर इज ए लॉकेट इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में एक लॉकेट है, तो ये नहीं आएगा। मेरा मतलब बच्चों अगर बाहर से अंदर की ओर गति का भाव है तो इनटू आएगा, और अगर भाव नहीं है ऐसा तब तो ये नहीं आएगा। सन के पहले भी इन लगाते हैं, जैसे द बैटल ऑफ हल्दीघाटी वाज फॉट इन 1576, हल्दीघाटी का युद्ध सन 1576 में हुआ था, हल्दीघाटी का युद्ध सन 1576 में हुआ था, तो बच्चों इनका प्रयोग हो रहा है। उसी तरीके से मैं कहता हूं आई वॉज बॉर्न इन 1978, मेरा जन्म सन 1978 में हुआ था, तो भी बच्चों मैंने इनका ही प्रयोग किया है। तो आप समझ रहे हैं सन के पहले आपको इनका प्रयोग करना चाहिए। बहरहाल आई फेल इन टू ग्रीफ का मतलब मैं ग्रीफ में पड़ गया। ग्रीफ मान क्या होता है बच्चों? परेशानी, मैं परेशानी में पड़ गया। और फिर क्या हुआ बच्चों? पास्ट सिंपल का सेंटेंस है ये, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। फॉल इन टू का मतलब होता है पड़ जाना, फंस जाना। किस में फंस गया मैं? परेशानी में फंस गया। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और मैं शिकवा करने लगा। बिगेन टू शब्द को बच्चों जरा गौर से देखो, ये जो बिगेन टू है इसका मतलब होता है बच्चों बिगिन, बिगेन, बिगन होता है जिसका माने शुरू करना होता है। पर जब भी ये वाक्य में आएगा तो बच्चों ये ऐसा अर्थ देता है लगा, क्या फिर अगर लड़की है तो लगी, और अगर बहुवचन है तो लगी। जैसे बच्चे रोने लगे चिल्ड्रन, मैंने कहा बच्चे रोने लगे चिल्ड्रन बिगेन टू वीप, बच्चे रोने लगे, मैंने कहा वो मुस्कुराने लगी शी बिगेन टू स्माइल, मैंने कहा इट बिगेन टू रेन बारिश होने लगी, एंड आई बिगेन टू टीच और मैं क्या करने लगा? मैं बच्चों को पढ़ाने लगा। एंड द स्टूडेंट्स बिगेन टू स्टडी, और विद्यार्थी क्या करने लगे? विद्यार्थी पढ़ने लगे। आई फेल इन टू ग्रीफ, अर्थात में परेशानी में पड़ गया। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और मैं शिकायत करने लगा। मैं परेशानी में पड़ गया और शिकायत करने लगा। जो कायर व्यक्ति होते हैं वो परेशानी में पड़ने के बाद शिकायत करते हैं, लेकिन जो शूरमा होते हैं सच्चे शूरवीर होते हैं वो शिकायत नहीं करते, वो सामना करते हैं, वो समाधान करते हैं। वे कायर हैं जो हार गए,
नरनाहर बाजी मार गए, इन तूफानों से टकरा करके हिम्मत वाले उस पार गए। आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन, आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड। बच्चों आप जानते हो लुक फॉर का मतलब ढूंढना होता है, ये फ्रेजल वर्ब है। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक दोस्त को ढूंढा। बट आई सॉट हिम इन वैन, परंतु बच्चों मैंने उसको व्यर्थ ही ढूंढा। आप देख रहे हैं बच्चों, एक शब्द आ रहा लुक फॉर, एक आ रहा बच्चों सर्च, एक आ रहा सर्च एस ई ए आर सी एच, एक आ रहा बच्चों सीक। आप जानते हो सीक की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, शॉर्ट होती है, सबका मतलब एक ही होता है, आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक दोस्त को ढूंढा। आई सर्चड ए फ्रेंड, मैंने एक दोस्त को ढूंढा। आई सॉट ए फ्रेंड, मैंने एक दोस्त को ढूंढा। बट आई सॉट हिम इन वैन, परंतु मैंने उसे बेकार ही ढूंढा। इन वैन बच्चों ये लिखना चाहिए, इन वैन का मतलब होता है व्यर्थ। इन वैन यानी क्या होता है, व्यर्थ का मतलब होता है बेकार ही। बट आई सॉट हिम इन वैन, लेकिन मैंने उसको वैन का मतलब व्यर्थ में ही ढूंढा। बच्चों बोर्ड की तरफ देखना, इन वैन होता है जिसका मतलब होता है व्यर्थ में, क्लियर है। उसी तरीके से बच्चों जब जीवन खतरे में आए तो हम कहते हैं इन डेंजर, तो इनका प्रयोग करते हैं बच्चों। उसी तरीके से बच्चों जब कोई रो पड़ता है तो हम कहते हैं शी इज इन टीयर्स, यानी वह रो पड़ी है। उसी तरीके से कोई कर्जे में होता है तो हम कहते हैं ही इज इन डेट, DEBT, डेट कहते हैं। उसी तरीके से जब कोई प्यार में होता है तो हम कहते हैं ही इज इन लव, उसको प्यार हो गया है। तो बच्चों आपने ये देखा कि मैंने इन वैन बताया, मैंने आपको इन डेंजर बताया, मैंने इन टीयर्स बताया, इन डेट बताया। बच्चों इन ट्रबल, कई बार हम ट्रबल में होते हैं तो ट्रबल यानी क्या होता है बच्चों, परेशानी होता है। ही इज इन ट्रबल अर्थात वो परेशानी। इनको बच्चों आपको इसी रूप में याद करना पड़ेगा। ये बच्चों क्या है, ये इडियोमेटिक फ्रेजेज हैं और इन्हें आपको ये जीवन में आपके आगे भी बहुत काम आएंगे। इनको आप इसी रूप में याद करो, इन वैन यानी बेकार, फिजूल में ही। उसी तरीके से इन डेंजर माने खतरे में। आगे क्या बताया बच्चों, आगे लिखा इन टीयर्स, TEARS, टीयर्स माने आंसू होता है। इन टीयर्स का मतलब होता है शी इज इन टीयर्स का मतलब रोपड़ी, शिवाज इन टीयर्स वो रोपड़ी। इन डेट यानी DEBT, डेट माने कर्जा होता है। इन लव माने बच्चों, सोफिया इज फॉलन इन लव विद सेम, यानी सोफिया को सेम से है ना, तो इन लव माने बच्चों प्यार हो जाना। और इन ट्रबल का मतलब होता है परेशानी में पड़ जाना। बढ़ा दो अपनी बात, ओके देखेंगे आप। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक दोस्त को ढूंढा। बड़ा शॉर्ट इन वैन, परंतु नतीजा डाक के तीन पात ही निकला। मैंने एक दोस्त को ढूंढा परंतु नतीजा डाक के तीन पात ही निकला। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने दोस्त को ढूंढा परंतु ये बेकार था, कंपेनियंस वर शाय, मेरे दोस्त शर्मीले हो गए। माई फ्रेंड्स बिकेम कोए। बच्चों ये शब्द है सी ओ वाई कोए, कोए का मतलब भी शाय होता है और इन दोनों का मतलब होता है बच्चों शर्मीला। दोस्त शर्मीले हो गए, दोस्त शर्मा गए, क्योंकि दोस्तों से बच्चों जब पैसा उधार मांगते हैं तो शर्मा जाते हैं, वो चाप जाते हैं। तो मेरे दोस्त चाप गए, वो शर्मिंदा हो गए, क्योंकि एक्चुअली बात ये थी कि उनको पैसा देना नहीं था तो वो मुझसे नजरें नहीं मिलाते थे। जब मैं उनसे पैसा मांगता तो वो इधर उधर अगल बगल में देखने लगते, मुझे लगता मेरे दोस्त शर्मा गए हैं। कंपेनियंस का मतलब माई फ्रेंड्स वर शाई एंड एक्वेंटेंस वर कॉल्ड। और बच्चों जो मेरी एक्वेंटेंस थी, एक्वेंटेंस का मतलब जान पहचान, जितने लोगों से मेरे संपर्क थे, जितने लोगों से मेरे कॉन्टेक्ट थे, जितने लोगों से मेरी एक्वेंटेंस मानी जान पहचान थी, वो जान पहचान जो है बच्चों, उस जान पहचान ने अपनी तपन खो दी, उस जान पहचान ने अपनी उष्णता खो दी, वो जान पहचान ठंडी पड़ गई। तात्पर्य यह है बच्चों, जैसे हम कहते हैं कोई किसी बात को हमने ठंडे बस्ते में डाल दिया, तो बच्चों मैं ये समझाना चाहता हूं कि उन लोगों से मेरी जो जान पहचान थी वो कोई काम ना आई। उन लोगों से मेरी जान पहचान भी कोई काम नहीं आई, कुछ न काम आया तेरा शोर करना गुल मचाना। अर्थात उन लोगों से किसी भी प्रकार से मैंने रिक्वेस्ट किया, वो रिक्वेस्ट किसी काम नहीं आया, मेरी जान पहचान मेरे किसी काम नहीं आई। मुझे पहली बार पता चला कि मैं इन कमबख्तों के साथ आज तक क्या कर रहा था, अपना बेशकीमती वक्त जाया कर रहा था। मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ, आई फेल्ट इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। मुझे पहली बार जीवन में पता चला कि जिन दोस्तों का भार मैं अपने सर के ऊपर ऊंचे फिरता था और मुझे लगता था ये मुसीबत के समय मेरे काम आने वाले दोस्त है, पहली बार जो यथार्थ मेरे सामने आया और मुझे पता चला कि मैं इन लोगों का भार बिना बात ही अपने सर के ऊपर लिए फिर रहा था, बाकी ये लोग जो है किसी काम के नहीं है, इनमें से किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। कंपेनियंस वर शाई एंड एक्वेंटेंस वर कॉल्ड। कॉल्ड माने ठंडा पड़ जाना, जान पहचान का ठंडा पड़ जाना मुहावरा है बच्चों, इडियम है ये, जिसका मतलब जान पहचान ठंडी पड़ गई का मतलब ये हुआ उस जान पहचान में दम नहीं निकली, वो जान पहचान काम नहीं आई। येसु तिलस्य ने तेलम आस्ते, मुझे पता चल गया कि इन तेलों में तेल नहीं है, तेलों में तेल नहीं निकला। देखो मैं गुड काउंसिल, देखो बच्चों जो मांगता था वो मुझे देते नहीं थे, जो नहीं मांगता था वो मुझे देते थे। देखो मैं गुड काउंसिल, जब भी मैं उनसे पैसे मांगता था तो वो मुझे पैसे नहीं देते थे,
लेकिन वो मुझे बहुत अच्छी सलाह देते थे। दे ये उम्मीद गुड काउंसिल, वे मुझे बहुत अच्छी सलाह देते थे, बट परंतु ड्रेडेड, परंतु देने से डरते थे। देयर गोल्ड मानी अपना पैसा, बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, परंतु बच्चों वो अपना पैसा मुझे देने से डरते थे, वो मुझे अपना पैसा देने से, वो मुझे अपना पैसा देने से कतराते थे। दे ये उम्मीद गुड काउंसिल, वो मुझे अच्छी सलाह तो देते थे, बट यानी परंतु, बट बच्चों कंजंक्शन है जो दो उल्टे कामों को जोड़ता है। जैसे ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, बट ही डज नॉट हेल्प मी, पर वो मेरी सहायता नहीं करता, काम उल्टा हो रहा है। उसी तरीके से वी वॉन्ट पीस बट दे वॉन्ट वार, हम तो शांति चाहते हैं लेकिन वो युद्ध चाहते हैं। तो बट क्या है बच्चों, दो उल्टे क्लाउजेज या दो उल्टे सेंटेंसेस को, दो प्रतिकूल अर्थ रखने वाले वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने वाला कंजंक्शन है। इस क्रम में बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। आगे वाला पैराग्राफ है बच्चों, देखना आगे वाला स्टेंजा है। लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड, लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड, अर्थात वो जा रहे हैं तो उन्हें बाढ़ में जाने दो। लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आई एक्सक्लेम्ड अर्थात मैंने विस्मय कहा, विस्मय यानी आश्चर्य के साथ मैंने कहा, आई एक्सक्लेम्ड दैट, मैंने आश्चर्य से ये कहा कि इफ दे गो देन लेट देम गो, अगर वो जाना चाह रहे हैं तो उनको जाने दो, अर्थात दे शुड गो, ऐसे लोग अगर जाने के इच्छुक हैं तो उनको जाने दो, उनको भाड़ में जाने दो। लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड, अर्थात मैंने ये कहा, मैंने आश्चर्य के साथ अपने मन से ये उद्गार निकाले कि अगर वो जाते हैं तो वो भाड़ में जाएं, क्योंकि मुझे परवाह नहीं, आई डोंट केयर बिकॉज आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, क्योंकि मेरे पास तो एक दोस्त है, बिकॉज आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, क्योंकि मेरे साइड में अर्थात मेरे बगल में मेरा एक बहुत अच्छा और एक बहुत ही सच्चा दोस्त है, क्योंकि मैं इस बात को समझ गया हूं कि मेरे बगल में मेरा एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही सच्चा दोस्त है। लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड, अर्थात अगर वो जाना चाह रहे हैं तो भाड़ में जाएं,
क्योंकि मेरे सामने क्या है, मेरे एट माय साइड का मतलब मेरी बगल में एक बहुत ही अच्छा और बहुत सच्चा दोस्त है, टू लिफ्ट मी अर्थात मेरा उत्थान करने के लिए, टू गिव मी अपलिफ्टमेंट अर्थात मुझे अपलिफ्टमेंट देने के लिए, मुझे उत्थान देने के लिए, एंड एड मी AID एड माने बच्चों सहायता करना होता है, AID एड माने सहायता करना होता है, टू एड मी मेरी सहायता करने के लिए, वट एवर बीटा एड का मतलब होता है बच्चों वट एवर बी फॉल यानी चाहे कुछ भी हो जाए, देखो वॉट एवर इसका मतलब होता है चाहे कुछ भी, और आगे देखो बच्चों बी फॉल का मतलब चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, वॉट एवर बी फॉल चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, वो सदैव मेरा साथ निभाएगा, वॉट एवर में बी फॉल चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, एक ऐसा सच्चा और एक ऐसा अच्छा दोस्त है और जो बिल्कुल मेरी बगल में खड़ा है, इस बात का मुझे पता चल गया। लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड, मैंने बहुत आश्चर्य के साथ कहा, अगर वो जाते हैं तो उन्हें जाने दो, आई डोंट केयर, मुझे उनकी परवाह नहीं है, बिकॉज आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, लेकिन मेरे बगल में एक बहुत अच्छा मित्र है मेरा, टू लिफ्ट मी मेरा उत्थान करने के लिए, एंड एड मी और मेरी सहायता करने के लिए, और वट एवर बी टाइड चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे समझ में आ गया कि दुश्मन मुझे नहीं मार सकते हैं, है ना, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, क्योंकि मेरा दोस्त कौन है, मेरा दोस्त जो है बिल्कुल मेरे दाईं तरफ खड़ा है वो मेरा दोस्त है, टू लिफ्ट मी एंड एड मी वट एवर बी टाइड चाहे कुछ भी हो जाए, बी टाइड यानी होता बी फॉल चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, परंतु वो मुझे लिफ्ट करेगा, मेरा उत्थान करेगा, मुझे उठाएगा, गिरने के पश्चात मुझे उठाएगा, मेरी सहायता करेगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, दूसरा बच्चों ये बताया इसने, संसार के ऊपर भरोसा करना तो बालू रेत के ऊपर महल चुनने जैसा है, संसार के ऊपर भरोसा करना तो बालू रेत के ऊपर, संसार के ऊपर भरोसा करना तो बालू रेत की बुनियाद के ऊपर महल खड़ा करने जैसा है, अर्थात जिस प्रकार से बालू रेत की बुनियाद के ऊपर महल खड़ा करना संभव नहीं है, जिस प्रकार से बालू रेत की बुनियाद के ऊपर महल खड़ा करना संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार से बच्चों क्या है, ठीक उसी प्रकार से इस संसार के ऊपर विश्वास करना भी बेमानी है, अर्थात इस संसार के ऊपर भरोसा करना माने बुझी हुई राख में चिंगारी ढूंढने जैसा है। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इट इज यूजलेस, इट इज नो यूज, इट इज नो यूज होपिंग एनी हेल्प फ्रॉम द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के लोगों से किसी प्रकार की सहायता के बारे में सोचना बेकार है, इट इज जस्ट टू बिल्ड ए कैसल ऑन सैंड, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो मतलब कि जो सैंड है उसके ऊपर कैसल बनाने जैसा, CASTLE कैसल माने बच्चों क्या होता है, महल होता है, दुर्ग होता है, किला होता है, तो इट इज जस्ट लाइक बिल्डिंग ए कैसल, इट इज जस्ट लाइक बिल्डिंग ए कैसल ऑन द सैंड, अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो बच्चों बालू रेत के ऊपर महल खड़ा कर दे जैसा है, यानी संसार के ऊपर अगर मैं भरोसा करूंगा तो निश्चित रूप से धोखा खाऊंगा, ये मेरे समझ में आ गया था। आई विल ट्रस्ट बट यानी बच्चों ओनली, आई विल ट्रस्ट ओनली इन हेवन, अब नहीं करूंगा मैं विश्वास इन दुनिया वालों पर, आई विल ट्रस्ट ओनली इन हेवन, अर्थात मैं सिर्फ भगवान में भरोसा करूंगा, हेवन माने स्वर्ग होता है या ईश्वर होता है, आई विल ट्रस्ट ओनली इन डिवाइन, मैं सिर्फ जो डिवाइन है, जो दिव्य है, जो देवतुल्य है, मैं उन्हीं में भरोसा करूंगा, और इसके अलावा किसमें करूंगा, एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरे अच्छे इस दाएं हाथ में विश्वास करूंगा, अगर मैं अब विश्वास करूंगा तो संसार के ऊपर विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि संसार के लोगों के ऊपर विश्वास करना तो बालू रेत की बुनियाद के ऊपर किला बनाने या महल बनाने जैसा है, बुझी हुई राख में चिंगारी ढूंढने जैसा है, अर्थात ये काम असंभव है, इम्पॉसिबल है कि मैं इनका विश्वास करूं और ये मेरे विश्वास के ऊपर खरे उतरें, ये निश्चित रूप से मुझे धोखा देंगे, मेरे साथ छल करेंगे, ये कंसेप्ट मेरे समझ में आ गया था, इसलिए मैंने कसम उठा ली है, इसलिए मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि फ्रॉम टूडेज ऑनवर्ड अर्थात आज से ही मैं क्या करूंगा, आई विल स्टार्ट बिलीविंग आइदर इन गॉड और इन माई गुड राइट हैंड, अब से ही मैं जो है किस में विश्वास करने लगूंगा, अब से ही मैं या तो ईश्वर में विश्वास करने लगूंगा या फिर अपने दाएं हाथ में विश्वास करने लगूंगा। तो देखो बच्चों इतनी बात समझ में आ गई है, तो यह स्थिति यह है कि बच्चों यही बताया गया है कि जब लोग आपका साथ छोड़ दें तब भी आपको क्या करना चाहिए, तब भी आपको अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए, जो उचित है आपको वही करना चाहिए, ठीक है। अपने भी विमुख पराये बन जब आंखों के सम्मुख आएंगे, पग पग पर घोर निराशा के जब काले बादल छा जाएंगे, तब अपने एकाकीपन में पद भूल न जाना, पथिक कहीं पथ में कांटे तो होंगे ही। जब सारे लोग साथ छोड़ दें, आप अकेले पड़ जाओ,
तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, तब भी बच्चों आपको अपना पथ नहीं भूलना चाहिए। शिवमंगल सिंह सुमन ने कहा है ये कि जब अपने भी विमुख पराये बन, जब आंखों के सम्मुख आएंगे, पग पग पर घोर निराशा के जब काले बादल छा जाएंगे, तब अपने एकाजीवन में पद भूल न जाना, पथ कहीं पद में कांटे तो होंगे ही। आगे देखो बच्चों, माई क्रेज रिवाइव्ड, और हुआ क्या, मेरा साहस लौट आया। माई क्रेज रिवाइव्ड, ये बच्चों जो रिवाइव्ड शब्द है इसका मतलब पुनः लौट के आना होता है, और इसके बाद में बी ए सी के बैक लगाना गलत होता है। देखो बच्चों, एक तो यहां पर देखो फॉल इनटू का मतलब बताया मैंने आपको, मुसीबत में पड़ गया। रन इनटू और कम अक्रॉस का मतलब होता है बच्चों अचानक मुलाकात होना, और इन दोनों के साथ में सडनली शब्द का प्रयोग करना गलत माना जाता है। जहां पर बच्चों ये शब्द आ जाए, रन इनटू आ जाए, कम अक्रॉस आ जाए, तो वहां सडनली नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सडनली का भाव इसी में आ गया। गो इनटू माने जहां छानबीन करना, लुक इनटू माने छानबीन करना, और इन्वेस्टिगेट माने भी छानबीन करना, परंतु इन्वेस्टिगेट के बाद इनटू नहीं लगाना चाहिए। ये तीन क्रियाएं बच्चों, पेनेट्रेट माने छेद देना, इन्वेस्टिगेट माने छानबीन करना, और एंटर माने प्रवेश करना, इनके इनटू का प्रयोग करना सदैव गलत माना जाता है। और बच्चों देखो, ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी, यानी पैसेज को हिंदी में अनुवाद करो, यहां बच्चों मैंने इनटू पूर्ण परिवर्तन के लिए लगाया है। जब आप किसी एक वस्तु को, एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी में बदलते हो और उसके अंदर कंप्लीट चेंज आ जाता है, पूर्ण परिवर्तन आ जाता है, तो बच्चों ऐसे में आपको इनटू का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आइए देखेंगे आप। तो ये बच्चों, ये पूरा समझ में आ गया है, माई क्रेज रिवाइव्ड अर्थात मेरा साहस वापस लौट आया। यहां बच्चों मैंने बोला रिवाइव्ड एक शब्द है, रिवाइव्ड, तो इसका मतलब हो गया पुनः लौट के आ गया, इसके बाद बैक नहीं लगाना चाहिए। रिटर्न के बाद भी बच्चों बैक नहीं लगाना चाहिए, ये सब समय आ रहा है। रिटर्न के बाद में, इनके बाद में बैक नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों बैक का भाव इसी में आ गया है। माय क्रेज रिवाइव्ड अर्थात मेरा खोया हुआ साहस, मेरी खोई हुई हिम्मत पुनः लौट आई। इन माय फॉर्च्यून्स रिस्पाइट, इन माय फॉर्च्यून्स यानी मेरे सौभाग्य के रूप में, डिस्पाइट यानी होता बच्चों के बावजूद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो बच्चों। DESPITE डिस्पाइट का मतलब के बावजूद होता है, और इसके बाद ऑफ का प्रयोग करना सख्त मना है, लेकिन इंस्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग होता है। इंस्पाइट ऑफ, समझ रहे हैं, इंस्पाइट ऑफ, इसका मतलब भी के बावजूद और इसका मतलब भी के बावजूद। फर्क बस इतना है बच्चों कि डिस्पाइट के बाद में ऑफ का प्रयोग करना सख्त मना है, जबकि इंस्पाइट ऑफ के बाद में, इंस्पाइट के बाद में ऑफ आता है। माई क्रेज रिवाइव्ड मेरा साहस वापस लौट आया। इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट अर्थात मेरे दुर्भाग्य के बावजूद भी, मेरे बैड लक के बावजूद भी क्या हुआ कि मेरा जो साहस था वो लौट आया। क्या बनकर? वो मेरा सौभाग्य बनकर लौट आया। इन माने इन द फॉर्म ऑफ माय गुड लक, इन द फॉर्म ऑफ माय गुड लक, यानी माय, इसका मतलब ये हुआ माय क्रेज रिवाइव्ड इन द फॉर्म ऑफ माय गुड लक, मेरा साहस मेरा सौभाग्य बनकर के वापस लौट आया। मेरा साहस मेरा सौभाग्य बनकर वापस लौट आया। एंड माई हैंड्स वाज, एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज, और मेरे हाथ उतने ताकतवर हो गए एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, जितनी मेरी आत्मा हल्की थी। यानी मेरी आत्मा जितनी हल्की थी, मेरे हाथ उसी अनुपात के अंदर ताकतवर हो गए। यानी ईश्वर ने क्या किया, मेरे हाथों को शक्ति प्रदान की और मेरे मन का बोझ कम हो गया। मेरा दिल हल्का था, जिस अनुपात में मेरा दिल हल्का हुआ उसी अनुपात में मेरे हाथ सशक्त हुए, और जिस अनुपात में मेरे हाथ सशक्त हुए उसी अनुपात में मेरा दिल हल्का हुआ। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, और इस दाएं हाथ के अंदर इतनी ताकत आ गई बच्चों, इसने मुझे क्या किया, रेज्ड मी, इसने मुझे उठाया। कहां से? फ्रॉम मने से, फ्रॉम सोरो अर्थात इसने मुझे क्या किया बच्चों, मैं गिरा हुआ था, मैं गमों की गर्त में गिरा हुआ था, इसने मुझे क्या किया, इस दाएं हाथ ने पकड़ करके मुझे गमों की गर्त से ऊपर उठाया। इट रेज्ड मी, इसने मेरा उत्थान किया। फ्रॉम सोरो, इसने दुख से मुझे उठाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे दर्द से बचाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे दर्द से बचाया। इट फेड मी, इसने मुझे भोजन खिलाया। इट क्लेड मी, इसने मुझे कपड़े पहनाए। अगेन एंड अगेन, एक नहीं, एक बार नहीं, अनेक बार, बार बार, इस हाथ ने जो बहुत साथ दिया बच्चों मेरा। कभी ये कह रहा है इस हाथ ने मेरा बहुत साथ दिया है, समझ गए, जब सब साथ छोड़ के चले गए, जब कोई नहीं बचा, तब या तो ऊपर वाले का आशीर्वाद मेरे साथ था, या फिर ये जो मेरा दायां हाथ था ये मेरे साथ था। बच्चों ये पुरुष का प्रतीक है, ये पराक्रम का प्रतीक है, ठीक है, ये परिश्रम का प्रतीक है। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, अब बच्चों फ्रेंड्स के आगे द आ रहा है, जबकि मैं कई बार समझा चुका हूं प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता है। क्या कहा बच्चों मैंने, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता। जैसे ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस,
पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है, मैंने ट्रीज के पहले आर्टिकल लगाया क्या? नहीं लगाया। उसी तरीके से बच्चों में कहता हूं कि कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेज, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेज, यानी बहुत सारे ऑफिसेज में कंप्यूटर्स काम में आ रहे हैं, मैंने दे लगाया क्या? नहीं लगाया। दे तो बच्चों तब आएगा जब प्लूरल काउंटेबल नाउन की आगे कोई क्लोज जुड़ा हुआ हो जिसने उसे फिक्स कर दिया, ध्यान देना। देखो बच्चों ने लिखा द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, वो दोस्त कौन से जो मुझे छोड़ के चले गए थे। हु हैड लेफ्ट मी को अंडरलाइन करो बच्चों, हु हैड लेफ्ट मी एक ऐसा शब्द समूह है जिसमें एक वर्ब आ रही है। आप जानते हो बच्चों ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद ए फाइनाइट वर्ब, अर्थात एक शब्द समूह जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, दैट इज कॉल्ड ए क्लोज, आप उसे क्लोज कहते हैं। और बच्चों जब नाउन के ठीक बाद में हु के साथ में कोई क्लोज जोड़ते हैं तो उसकी विशेषता बताता है, इसलिए उसको एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं। एंड व्हेन यू मेक ए नाउन डेफिनेट, और जब आप किसी नाउन को डेफिनेट बनाते हैं बाय यूजिंग आइदर ए नाउन आइदर ए क्लोज और ए फ्रेज जस्ट आफ्टर इट, इसके ठीक पश्चात अगर आप किसी क्लोज या फ्रेज का प्रयोग करके आप किसी नाउन को निश्चित बनाते हो तो बच्चों उसके आगे आता है, ठीक है। ऑफ आ रहा तो भी जाएगा, जैसे द काउज ऑफ हरियाणा आर द काउज, मैंने द क्यों लगाया बच्चों, आज ऑफ आ रहा, द काउज ऑफ हरियाणा आर बेटर देन दोज ऑफ राजस्थान, यानी हरियाणा की जो गायें हैं बच्चों वो हमारे राजस्थान की गायें से ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों सिर्फ इतना सा है कि द का प्रयोग होगा, जैसे द रोड्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बाजार, द रोड्स ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली के बाजार, ठीक है, आर ब्रॉडर देन दोज ऑफ जयपुर, यानी दिल्ली के जो बाजार है बच्चों वो जयपुर के बाजारों से अधिक चौड़े हैं या अधिक सकड़े हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि द फ्रेंड्स वी हैड लेफ्ट मी, वो दोस्त जो मेरा साथ छोड़ गए थे केम बैक माने वो आ गए, वो लौट आए। अब बच्चों अगर मैं यहां एक बोलना चाहूं, ध्यान देना, द फ्रेंड्स वी हैड लेफ्ट मी रिटर्न्ड, अब बच्चों बैक नहीं आएगा, कम बैक तो होता है, गो बैक भी होता है, लेकिन रिटर्न बैक नहीं होता, क्योंकि रिटर्न माने लौटना होता है, और बच्चों वापस आ जाओ, वापस चले जाओ ये तो समझ में आता, पर वापस लौट जाओ ये समझ में नहीं आता, क्योंकि लौटने में ही वापस का भाव अंतर्वलित है, क्योंकि लौटने की क्रिया में ही वापस का भाव अंतर्वलित है। इसलिए बच्चों आपको क्या करना चाहिए, आपको यहां पर बैक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स वी हैड लेफ्ट मी केम बैक, एवरीवन वो दोस्त जो मेरा साथ छोड़ के चले गए थे, दे केम वन बाय वन एक एक करके वापस आ गए, वो कैसे दोस्त थे बच्चों, दे वर द फ्रेंड्स ऑफ फाइन वेदर, वो अच्छे मौसम के दोस्त थे, फ्रेंड्स ऑफ फाइन वेदर का मतलब होता है बच्चों स्वार्थी मित्र थे वो, दे वर द फ्रेंड्स ऑफ फाइन वेदर, वो जो है अच्छे मौसम के दोस्त थे, दे केम वन बाय वन एक एक करके वापस आ गए, एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स, और वो लोग बच्चों जो परेशानी में मुझे सलाह देते थे, एडवाइजर यानी सलाह देने वाले, डार्केस्ट का मतलब क्या होता है, डार्केस्ट का मतलब होता है बच्चों उदासी से परिपूर्ण, दुख से परिपूर्ण सलाह देने वाले जो डार्केस्ट एडवाइजर्स का मतलब, और वे सलाहकार जो जब भी मुझे सलाह देते थे तो बच्चों मेरे दुख को लेकर के स्वयं गमगीन हो जाते थे, वो जब भी मुझे सलाह देते थे तो मेरे दुख को सुनकर के गमगीन हो जाते थे, यानी उनके चेहरे के ऊपर गम का दिखावटी भाव आता था, हाँ बहुत बुरा हुआ ऐसा वो बोलते थे मौखिक। दे पेड मी ओनली लिप सर्विस, उन्होंने सिर्फ मेरी मौखिक सेवा की, लेकिन जब मैंने उनसे पैसा मांगा तो दे ड्रेडेड देयर गोल्ड, अर्थात वो अपने पैसा देने से, मुझे पैसा उधार देने से डरते थे। तो इस प्रकार के जो डार्केस्ट एडवाइजर्स थे, अर्थात जो मुझे जब भी सलाह देते थे तो ऐसा लगता था मानो मेरा दुख उनका दुख है, और वो अपने चेहरे के ऊपर उदासी की चादर ओढ़ देते थे। ऐसे उदासी की चादर ओढ़ने वाले जो डार्केस्ट एडवाइजर्स थे, दे लुक्ड ब्राइट एज द सन, उनका चेहरा बच्चों खुशी के कारण कांतिमान हो उठा जैसे सूर्य, अर्थात जब उन्हें पता चला कि मैं कामयाब हो गया हूं, जब उन्हें पता चला कि मैं उस गमों की गर्त से बाहर निकल करके आ गया हूं, तो उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर जो गमों की चादर ओढ़ रखी थी उसको उतार फेंका, खुशी की चादर ओढ़ ली, मानो मेरी खुशी उन्हीं की खुशी हो, अर्थात जब मेरे दुख आया तो उनका चेहरा बड़ा दुखमय हो गया, और जब मेरे खुशी आई तो उनका चेहरा जो है मतलब क्या कहते हैं खुशी से झूम उठा, खुशी से परिपूर्ण हो उठा। बच्चों इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब बच्चों सिर्फ इतना सा निकला कि वो ये दिखाते थे कि मेरा दुख उनका दुख है, वो ये दिखाते थे कि मेरा सुख उनका सुख है, जबकि वास्तविकता क्या है, वास्तविकता ये है बच्चों कि उन्हें मेरे से कोई वास्तविक सहानुभूति नहीं थी।
They had no real sympathy with me. They had no real sympathy with me. उनकी मेरे से किसी प्रकार की कोई सच्ची सहानुभूति नहीं थी. I need them no more. अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है. आ गए हैं वो. एक एक करके बच्चों वापस आ गए हैं. But I need them no more. परंतु अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है. अब मुझे उनकी दरकार नहीं है. No more का मतलब अब और नहीं. जैसे I can bear this insult no more. मैं इस अपमान को और अधिक सहन नहीं कर सकता हूं. तो no more मानी होता है बच्चों no longer. No longer का मतलब ये हुआ but I need them no longer. परंतु अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है. या I don't need them any longer. बच्चों इस प्रकार से आप इस बात को कई प्रकार से कह सकते हो. देखो I need them no more. ये तो बच्चों आपकी किताब में लिखा हुआ है. अब मैंने कहा I need them no longer. अगर मैं यहां कर दूं no longer तो भी बच्चों ये सेंटेंस होगा सही. I need them no longer. मैं ऐसे भी कह सकता हूं I don't. यहां देखो बच्चों नोट यहां ले आया मैं. I don't need. मुझे जरूरत नहीं है. I don't need them. अब नो की जगह करूंगा बच्चों मैं any longer. I don't need them any longer. अब मुझे उनकी बिल्कुल भी या कतई जरूरत नहीं है. अब मुझे उनकी कतई जरूरत नहीं है. ओके बच्चों. तो द डार्केस्ट फ्रेंड्स हु लेफ्ट मी एंड केम बैक एवरीवन, अर्थात वो दोस्त जो डार्केस्ट थे, वो जो मेरा साथ छोड़ करके चले गए थे, एक करके वापस आ गए. एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन. और जो मुझे दुख भरी सलाह देने वाले थे, उनका चेहरा सूर्य के समान कांतिमान उठा. एज द सन का मतलब सूर्य के समान, सूर्य के सदृश. इसमें उपमा अलंकार है. इसे बच्चों अंग्रेजी में शिमिली कहते हैं. क्या बोलते हैं अपन इसे? शिमिली कहते हैं. शिमिली का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे मैं कहता हूं आपको कि योर फेस या हर फेस इज एज ब्यूटीफुल एज द मून. समझ गए? मैं कहता हूं डायनाज फेस. डायना इज एज ब्यूटीफुल एज द डायना. डायना माने चांद भी होता है बच्चों. डायना किसी का नाम भी है. तो मैंने कहा डायना का चेहरा, डायना जितना खूबसूरत है, माने डायना का चेहरा चंद्रमा के समान सुंदर है. तो बच्चों मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं. तो क्या होता है जब आप कंपेयर करते हो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को या डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हो, तो बच्चों उसमें अलंकार कौन सा होता है? उसमें अंग्रेजी में जो है उसको आप सिमिली और हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार. फिगर ऑफ स्पीच है ये. क्लियर है बच्चों? लाइक का प्रयोग भी करते हैं. जैसे मैंने आपको कहा कि लाइक ए रिवर, ठीक है, लाइक ए रिवर यानी नदी की तरह. शी वॉज वॉचिंग लाइक ए रिवर. वो यह चल रही थी जैसे नदी बह रही हो. तो आप क्या कर रहे हो बच्चों? तुलना कर रहे हो. तुलना का भाव होता है. बहरहाल आगे देखेंगे आप. आई नीड देम नो मोर. अब मुझे उनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. एज दे ऑल अंडरस्टैंड. और ये बात उनकी भी अच्छी तरह समझ में आ गई है. एज माने जैसा कि, दे हैव ऑल अंडरस्टूड इट वेरी वेल. जैसा कि ये बात बखूबी उनकी समझ में आ गई. आई थिंक दी. मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं बच्चों. दे नहीं है ये, दी है. टी एस डबल ई दी माने यू होता है. आई थैंक यू. मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं. किसे? हे मेरे दाएं हाथ, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं. आई ट्रस्ट दी. मैं तुम्हारे अंदर विश्वास करता हूं. आई ट्रस्ट दी. देखो बच्चों, ट्रस्ट के बाद इन नहीं लगाना चाहिए. आई ट्रस्ट इन दी. नो, ट्रस्ट इन गॉड होता है, नो डाउट. बिलीव इन गॉड होता है, लेकिन बिलीव और ट्रस्ट के बाद इन नहीं लगाना चाहिए. आई कांट बिलीव यू, आई कांट ट्रस्ट यू. आई कांट बिलीव यू, आई कांट ट्रस्ट यू. इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ट्रस्ट तथा बिलीव के बाद में इनका प्रयोग करना सख्त मना है. नहीं होगा प्रयोग, ठीक है. आई नीड देम नो मोर. अब मुझे उनकी बिल्कुल दरकार नहीं है. दे ऑल अंडरस्टैंड. और ये बात उनके भी बखूबी समझ में आ गई. आई थिंक दी. मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं. आई ट्रस्ट दी. मैं तुम्हें विश्वास करता हूं. मैं तुम में यकीन करता हूं. माई गुड राइट हैंड, ये मेरे अच्छे दाएं हाथ, मैं तुम्हारे अंदर विश्वास करता हूं. मैं तुम्हारी शक्ति के अंदर विश्वास करता हूं. मैं तुम्हारी शक्ति का विश्वास करता हूं. तो बच्चों इस कविता को पूरी को जब हम आपने पढ़ा, तो इस कविता का सारांश बच्चों अगर हिंदी में मैं चार ही पंक्तियों के अंदर कहना चाहूं, तो मैं कुछ यूं कहूंगा कि पतवारों ने जब से मेरी नाव को धोखा दिया. ध्यान से सुनना बच्चों, कि पतवारों ने जब से मेरी नाव को धोखा दिया, मैं भंवर में तैरने का हौसला रखने लगा. पतवारों ने जब से मेरी नाव को धोखा दिया, मैं भंवर में तैरने का हौसला रखने लगा. पर मौत का अंदेशा उसके दिल से क्या जाता रहा. वह परिंदा बिजलियों में घोंसला रखने लगा. ये बच्चों हिंदी में जो मैंने बोला है, ये इस कविता का सारांश कह सकते हो आप इसे. इस पूरी कविता का बच्चों जो है, अगर आप सारांश कहना चाहते हो, तो ये सारांश इसमें कह सकते हो. अच्छा बच्चों, आप ये भी देख रहे हैं इस कविता के जो पोएट है उनका नाम क्या है? चार्ल्स मेके है. और चार्ल्स मेके का जन्म कब हुआ था? ही वॉज बोर्न ऑन 27th of March 1814 और मृत्यु हुई थी 24th of December 1889. ये बच्चों
राइटर के बारे में ही वाज, स्कॉटिश पोएट, वो स्कॉटलैंड के एक महान कवि थे, जर्नलिस्ट, पत्रकार थे, ऑथर, लेखक थे, नॉवलिस्ट, उपन्यासकार थे एंड सॉन्ग राइटर और बच्चों के गीतकार थे। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त, और बाकी बात अगली क्लास में। नमस्कार।